इधर इमरान खान को गोली लगी, उधर उनकी पहली पत्नी भावुक हो गई। इमरान खान की एक्स वाइफ और ब्रिटिश स्क्रीन राइटर, टीवी फिल्म डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर जमायमा गोल्डस्मिथ ने उन दो लड़कों की तारीफ की है जिन्होंने हमलावर के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। इसमें से एक लड़का है इब्तिसाम और दूसरा लड़का जो है जिसकी पहचान अभी सामने नहीं आई है, वो इस हमले में गोली का शिकार हो गया। गोल्डस्मिथ ने उसके परिवार के लिए हमदर्दी भी जाहिर की है। 2004 में खान से अलग हुई गोल्डस्मिथ ने हमले में खान के सुरक्षित बचने पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, ये कहते हुए कि ये घटना बेहद डरावनी थी। गोल्डस्मिथ ने अपने ट्विटर पर इब्तिसाम की फोटो शेयर की और उसके लिए हीरो लिखा। इसके बाद गोल्डस्मिथ ने एक और ट्वीट किया और लिखा, ये खबर डरावनी है, थैंक गॉड वो ठीक है और उस भीड़ में उनके बच्चे को शुक्रिया जो गनमैन को रोकने में कामयाब रहा। गोल्डस्मिथ ने इसके बाद एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, एक और हीरो जिसने गनमैन को रोकने की कोशिश की, दुख की बात है कि वो बच नहीं पाए, उनके परिवार के लिए मेरी हमदर्दी। बता दें जिस लड़के ने गनमैन को रोका था और उसके पीछे भागा था उसका नाम इब्तिसाम बताया जा रहा है, जिसने घटना के बाद बताया कि गनमैन गोली चलाने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि हमलावर के इस्तेमाल की गई पिस्तौल ऑटोमेटिक थी और उससे छीने जाने के बाद भी फायरिंग हो रही थी। उन्होंने हमलावर को पहली फायर के वक्त नहीं पकड़ पाने के लिए दुख भी जताया। मीडिया से बातचीत में उसने बताया, मैंने जब हमलावर को देखा तो वो फायरिंग करने की कोशिश कर रहा था, इससे पहले कि वो हमला कर पाता मैंने उसे जोर से हिट किया, उसने गन फेंकी और वहां से भागने लगा, मैं भी उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। उसने आगे कहा कि जब तक हम जिंदा है खान साहब के ऊपर आज भी नहीं आ सकती। बता दें इस पूरी घटना के दौरान एक और लड़का था जो कि गोली का शिकार हो गया, फिलहाल उसकी पहचान मीडिया में सामने नहीं आई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गुरुवार को वजीराबाद में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ। कार्यक्रम में एक आरोपी ने उन पर फायरिंग की जिसमें इमरान खान घायल हो गए, उनके अलावा कई और लोग जख्मी हुए हैं। फायरिंग में एक और शख्स की मौत की बात सामने आई। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है जिसने अपना गुनाह भी कबूल लिया है। बता दें इमरान खान पर हमले की खबर आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने इब्तिसाम को हीरो कहना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खान पर हत्या की कोशिश के लिए किए गए हमलों के खिलाफ देश भर में अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन भी किए गए। इमरान खान को हमले में पैर में गोली लगी थी, हालांकि इलाज के बाद उनकी हालत अब पहले से सही बताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।